एक किडनी गायब होगी एक कैरेक्टर की, और एक कैरेक्टर के पास एक किडनी आएगी। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट और टर्न है। और ये रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में गदर मचा रखा है। कब बच्चा हो रहा था कुछ समझ नहीं आता। बेसिकली जो चाचा है वही भतीजा है, ऐसा नहीं है। दोनों पोखरी अलग चला रहे लोग। यार कमीनो यार तेरे तो। हाय दिस इज कमल दिलन। हाय दिस अक्षय खरोड़िया। हाय दिस इज किंजू भाई। एंड यू आर वाचिंग टेली बाइट्स। हां कैसा है शिमा? शिमा ये क्या हो रहा है शिमा? देव देव पार्ट टू आ गए, पार्ट टू आ गए देव। क्या पार्ट टू देव? क्या भाई खाओगे तुमसे? हाँ देव यार ये आदि बहुत ही वल्गर है यार। हाँ देव देव सेव की बातें मत करो। सीन में क्या चल रहा है बता जल्दी। सीन में क्या चल क्या चल रहा है क्या चल रहा है यार? हम हर सीन में ये आदमी बैठना चाहता है कि मेरे क्लोजेस एक साथ छप जाए। कोई भी सीन अगर आप देखो जाए सिर्फ पूरे सीन में सोफे पे बैठा है, कहीं वो जमीन पे बैठा है, कहीं मतलब किसी के बाजू में खड़ा हो गया तो वहीं खड़ा है। चलो फेविकॉल लगा के आता है क्या तू सेट में? नहीं भाई मैं गोम्बी की तरह जा गोम। देखो भाई तुम आप भी मूवमेंट नहीं लेते भाई, आप भी दोनों बड़े आलसी हैं, अलग एज कैटेगरी के आलसी लोग हैं ये, जबकि है फर्क 3 साल का ही दोनों में। ए चल रे चल ये सीनियर फ्रॉड और ये जूनियर फ्रॉड। इसका किधर से भाई? दोनों की आईडी पे नकली डेट। 28 का भाई। 18 है। मैं जस्ट आज 5th का एग्जाम देके आया हूं। एंड आई एम जस्ट बोर्न। हैप्पी बर्थडे। देखो इसको पता है शिमा, शिमा उन्होंने बताया तुम शिमा नहीं बता रहे हो। मैं मेरी बच्ची को 10 लाख चाहिए। किस लाख इसके लिए चाहिए? इसकी बच्ची कहां से हो गई? वो इसका तो शेष है ना, वो भी मेरी है भाई। भाई ये इसने रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में गदर मचा रखा है। कब बच्चा हो रहा था कुछ समझ नहीं आता। बड़ी जल्दी बच्चे हो गए भाई तेरे, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों हैं। चुबा ले अपनी एज, चुबा ले ले। पर ये 18 साल का है। बेसिकली जो चाचा है वही भतीजा है, ऐसा नहीं है। दोनों पोखरी अलग चला रहे लोग। क्रिश परेशान है रावी के वजह से, ये पोखरी अलग है। भाई देसी मैजिक का तड़का अंग अंग बढ़ गया भाई। तो इस सीन में बेसिकली मैं दुकान की तरफ जा रहा होता हूँ और सड़क पे देव और गोम्बी भाग रहे होते हैं शिवांग के पीछे, तो मुझे बोलते हैं पकड़, तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ और मारने लग जाता हूँ। हर सीन में मैं उसको मार ही रहा हूँ पता नहीं क्यों। फिर हम उसे पकड़ के घर ले आते हैं, क्योंकि फिर घर आके पता चलता है कि ये लोग क्यों गए थे उसके पास। तो ये पैसों का झोल है जो उसने लिए हैं, पर अभी उसने फेक एविडेंस इकट्ठा कर लिया है एंड सब चीज़ें धरा भाभी के ऊपर आ गई हैं। पर भाभी से जारून खैर मैं किडनी निकालने जा रही हूँ। किडनी निकलेगी कैसे जब तक पैसे नहीं होंगे? अच्छा आने वाले एपिसोड में हम क्या अपकमिंग ट्विस्ट और टर्न देख सकते हैं? एक किडनी गायब होगी एक कैरेक्टर की, और एक कैरेक्टर के पास एक किडनी आएगी। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट और टर्न है। और इसका जवाब गोम्बी दे रहे हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट और टर्न होने वाला है। एक की किडनी जाएगी और एक के पास आएगी। ये बहुत अच्छा टर्न है। और किसके पास आएगी, किसकी जाएगी, और कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, ये भी क्लियर हो जाएगा। एंड मतलब इतने सारे पन्ने खुले हुए हैं ना, बच्चों का थॉट, मेरा थॉट, शिवा पीछे चला गया है, वो अलग ड्रामा चल रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल बहुत सारी चीजें हमारे शो में चल रही है जैसे हमेशा चलती हैं।
सो आप देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा आगे क्या। तीनों को एक साथ मत खड़ा क्या करो यार, हम सीन में सही से निकल रहे हैं। तो हाँ देखते रहिए पंड्या स्टोर मंडे टू संडे 7:30 स्टाफलेस पर 300 पैसे। अच्छा आप में सबसे ज्यादा मस्ती और कौन है सेट? मैं नहीं, ये 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 हार गया, मैं नहीं हूँ। ये सबके कानों में कुछ बोल के बोल के और कुछ खड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसे सीन। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।